देखो माना माना कि मैच वैसे नहीं चल रहा है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। माना कि इंडिया ने इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पे वैसे डोमिनेट नहीं किया जैसा कि हमने सोचा था, लेकिन फिर भी भाई ये मैच देखने में ना मजा आ रहा है। लेकिन तुमको मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम सिर्फ मैच देख रहे हो और मैच देख के पैसे नहीं कमा रहे हो। नहीं समझे ना, चलो वीडियो देखते रहो, आगे बताऊंगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि भाई जो भी हो ना, ये मैच देख के मजा आ रहा है और ये जो मजा है ये कई गुना बढ़ सकता था अगर भाई वो जो विराट कोहली के साथ नौटंकी हुई ना, जो एकदम घटिया लेवल की नौटंकी हुई ना, अगर वो ना होती कसम से भाई ये मैच यादगार बन सकता था। मतलब इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि भाई विराट कोहली टिक चुके हैं और हम सब जानते हैं कि विराट कोहली को पारी शुरुआत करने में भली दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बार जब विराट कोहली टिक जाते हैं और गलती से अगर विराट कोहली 50 का आंकड़ा एक बार टच कर जाते तो उसके बाद उन्हें 100 तक पहुंचने से कोई माइका लाल भी नहीं रोक सकता था। और यहीं पे शुरू हुई असली कहानी। जब बॉलरों से विराट कोहली नहीं रुक रहे थे तो अंपायर आ गए रोकने के लिए। मतलब क्या था भाई, वो साफ साफ दिख रहा था कि विराट कोहली का एज लगा हुआ है। किसी को भी इस बात में कोई शक नहीं था। मेरे पास तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं पड़ी, फिर भी भाई टीवी में देख के मुझको पता चल रहा था कि लगा है, साफ साफ बॉल डिफ्लेक्ट हो रही है, खटक से करके डिफ्लेक्ट हो रही है। और दूसरी बात, अगर मैं दो पल के लिए कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि एग्जैक्ट सेम सेकंड पे बल्ले पे और पैड पे बॉल लग रही है, तो भाई एमसीसी में ही ये लॉ लिखा हुआ है कि अगर कभी भी ऐसा आपको लग रहा है, चाहे वो थर्ड अंपायर हो चाहे फील्ड अंपायर हो, कभी भी ऐसा डाउट हो रहा है कि जो बॉल है वो बल्ले और पैड पे एक साथ लग रही है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि बॉल पहले बल्ले पे लगी है, लेकिन थर्ड अंपायर ने कुछ अलग ही फूंक रखा था। पहले तो ये क्लियर है कि बॉल जो है भाई पहले बैट पे लग रखी है। उसके बावजूद भी भैया मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो बॉल है वो सेम टाइम पे बैट और पैड पे लगी हुई है, पर उसके बावजूद भी विराट कोहली नॉट आउट थे। यानी कि थर्ड अंपायर को तो ऐसा ही कुछ गजब चित्र दिख रहा था कि बॉल जो है पहले पैड पे लगी है और पैट पे लग के बैट पे गई है, जबकि स्क्रीन पे साफ दिख रहा है कि बल्ला लेके कट करके डाइवर्ट हो रही है, बॉल और पैट पे लगी है। लेकिन नहीं भैया, विराट कोहली टिक जाएंगे, विराट कोहली फॉर्म में आ जाएंगे, ये देखा थोड़ी जा सकता है इनसे। मतलब भाई ये जो चीज है ना, ये कैमरामैन को भी पता था कि भैया ये गलत आउट दिया गया है। वो विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद भैया 2 घंटे तक थर्ड अंपायर को दिखा रहा है, कभी फुटेज में कभी भैया विराट कोहली को वापस दिखा रहा है, कभी नितिन मेनन को दिखा रहा है, उन्हीं को दिखाया जा रहा है, भले ही मैच में कुछ भी चल रहा हो। लेकिन भाई एक सच बात बताऊं कि मान लिया कि विराट कोहली के साथ गलत हुआ, मान लिया कि विराट कोहली के साथ जो हुआ उसे देख के बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखना किसी और ही चीज को देख के हो रहा था। पर वो देखने से पहले भाई क्या कर रहे हो, अभी तक तुमने स्पोर्ट्स बस 11 को चेकआउट नहीं करा है क्या? भाई कई बार कह चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करने में लिंक मौजूद है स्पोर्ट्स बस 11 का, एक बार जाके चेकआउट करो, 50 से लेकर 1000 तक कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करो और मेरा प्रोमो कोड यूज कर लो, CRICKTIME100। जैसे ये प्रोमो कोड यूज करोगे भाई कई सारे रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और उसके बाद भैया जो भी वहां पे हम टीम डाल रहे हैं उसके आसपास भी अगर तुम बना लिए टीम तो पैसा ही पैसा बाबू। भैया कितनी बार कहूं, मतलब क्या चाहिए, सब कुछ तो है यहां पे भाई। देखो फ्री कॉन्टेस्ट है, फ्री में भैया लीग ज्वाइन करो, 5000 रुपए तक जीतो, 1 रुपए नहीं खर्च करना है। उसके ऊपर से 0% कमीशन कॉन्टेस्ट है, यानी कि मतलब जो भी आपको वहां पे विनिंग दिखा रही होगी वो पूरी की पूरी मिलेगी भाई। इंडिया में क्या, दुनिया में भी ऐसा कोई ऐप नहीं है जो 0% कमीशन यहां पे लेता हो। और उसके ऊपर से भाई दोस्त लोग होंगे तुम्हारे, उनके साथ प्राइवेट लीग खेलो, वहां पे तो भैया सीधे आप देख सकते हो कौन क्रिकेट में समझदार है और पैसा ही बना सकते हो, और 10% तो कैशबैक है प्राइवेट लीग में। और उसके ऊपर से भी भाई जो ही मैंने कहा ना, वुमेन्स वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है, PSL वगैरह चल रही है, यहां पे तो भैया आपकी मेगा लीग चलती है, सीधे भैया 5 लाख 10 लाख के प्राइजेस हैं, और क्या चाहिए भाई जीवन में। बाकी स्पोर्ट्स बस 11 में भाई वैसे ही जीतने की चांसेस बहुत हाई रहती है, तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी जाओ एक बार जाके भाई स्पोर्ट्स बस 11 को जरूर चेकआउट करो, टीम बना लो, टेलीग्राम चैनल को तो यहां से ज्वाइन करना, मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना डिपॉजिट करते वक्त। क्या है प्रोमो कोड? CRICKTIME100। तो जैसा मैं कह रहा था कि भले ही विराट कोहली के आउट को देख के भैया बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख जो था वो किसी और चीज को देख के हुआ। जब भाई अचानक से इंडिया की पारी लड़खड़ा रही थी और ऐसी पिच थी जहां पे बहुत ही आसानी से रन नहीं पड़ रहे थे, आपको बहुत ही मुश्किल से सिंगल वगैरह निकालने पड़ रहे थे, वो अलग बात है कि भैया बाद में अश्विन हो गए, अक्षर पटेल हो गए, उन्होंने जिस तरीके से पारी को संभाला, उन्होंने बता दिया कि भाई देखो खेलने का तरीका होता है, बिना डर के खेलोगे मस्त भैया शॉट के लिए जाओगे तो रन पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि आज मैंने जितना ऋषभ पंत को मिस किया है ना, इतना शायद मैंने कभी नहीं मिस किया होगा। और मुझको श्योर है कि यहां पे जहां बाकी प्लेयरों से रन नहीं पड़ रहे थे, अगर पंत यहां पे होते ना भाई, ऐसे रन निकालता बंदा। वो नाथन लियोन जो भले ही 5 विकेट चटका रखा होगा, लेकिन यहीं पे मैं कह रहा हूं पंत होते ना तो भाई लियोन को तो कुत्ता बना देता था बंदा। ऐसे शॉट मारता था कि जैसे ही पंत आते थे लगता था कि इससे पहले कोई लोग अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे थे और पंत अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। और नाथन लियोन को भी लगता था भाई मैं बॉलिंग तो अच्छी करा रहा था, ये अचानक मुझको बाउंड्री कहां से
पड़ने लग गई। बाकी उससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि भैया केएल राहुल फिर से रिटर्न नहीं मार पाए। अब बहुत लोग कहेंगे भैया बाकी लोग भी तो नहीं मारे, बाकी लोग के साथ तो ये हुआ, पर भाई केएल राहुल को टाइम हो गया है, अच्छा खासा टाइम हो गया, लोग बिल्कुल भैया पीछे पड़े हुए हैं बंदे के। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता था वो रन मारे, मैं चाहता था वो रन मारे, मैं तो ये चाहता हूं कि भैया केएल राहुल को थोड़ा बहुत विकेट कीपिंग अच्छी करवा दो, उसको टेस्ट में विकेट कीपिंग करा लो, वो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव प्लेयर बन जाएगा, खासकर जब तक पंत नहीं है। लेकिन भाई अब केएल राहुल को मानना नहीं, हम क्या करें। और दुख इस बात का होता है कि भाई उनके चक्कर में शुभमन गिल बाहर बैठा हुआ है, क्या पता, देखो पता कंफर्म नहीं है कि गिल भी आ जाएंगे तो रन मारेंगे या नहीं मारेंगे, क्योंकि शुरुआती ओवर में खेलना आसान नहीं होता है। पर सेम टाइम पे देखो भले ही रोहित शर्मा भी आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, पर फिर भी ठीक ठाक रन मारे, खासकर जिस तरीके का मैच हुआ है उस हिसाब से तो बहुत अच्छे रन मारे हैं। पर रोहित शर्मा जब खेल रहे थे ना, मुझे सबसे ज्यादा स्मूथ पारी जो देखने को मिली वो रोहित शर्मा को मिली, बैट्समैन की बात कर रहा हूं, वरना स्मूथ तो भाई अश्विन और अक्षर पटेल खेल रहे थे, उनको तो देख के लग रहा था कि भाई इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनका बस चलो ना जाने कितने रन मार दें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोहित शर्मा बैट्समैनों में ऐसे इकलौते बैट्समैन थे जिनकी पारी को देख के ये फील आ रहा था कि भाई ये कितना स्मूथ खेल रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इससे ये तसल्ली तो मिल गई थी कि भले ही अब लोग कुछ भी बोल लें लेकिन रोहित शर्मा एक अच्छे टच में तो जरूर आ गए हैं। उसके अलावा भाई मैं थोड़ा सा ये चाहता था कि जो शिखर भरत है भैया वो रन मारे, क्योंकि बात देखो सिर्फ इस टेस्ट सीरीज की नहीं है, अब ऋषभ पंत का ऐसा है कि भाई 1.5 साल तक बंदा दिखने नहीं वाला है, तो शिखर भरत को ही खेलना है। अब 2 पल के लिए ईशान किशन को ले आए, ईशान किशन चल जाए तो अलग बात है, पर मुझे लगता है कि ईशान किशन टेस्ट के उतने कोई खास प्लेयर नहीं है, पर अगर थोड़ा सा वो पंत वाली अप्रोच रखें उस तरीके से भैया हिटिंग वाली अप्रोच से रन बना के टीम को अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन शिखर भरत का तो भाई ऐसा रिकॉर्ड था रणजी वगैरह में 100, 150, 200, लेकिन पता नहीं भाई यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं भी बोलना चाहूंगा क्योंकि भाई 2 ही इनिंग हुई है, इतने जल्दी जज भी नहीं करना चाहिए, पर सेम टाइम पे ये भी कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको अपनी जगह पक्की करनी है खासकर आज जैसा कॉम्पिटिशन है तो वहां पे आपको 1-2 इनिंग या 3-4 इनिंग का फायदा उठाना पड़ेगा, इन्हीं में आपको कुछ बड़ी पारियां खेलनी पड़ेंगी, यहीं पे आपको जब बाकी टीमें शायद 20-30 पे निकल रही हो वहां पे आपका आके आपको 150 मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते भाई बाकी टीम भी तो नहीं चली है, यहीं पे जब आप चलोगे यहीं पे आप बता पाओगे कि आप बड़े प्लेयर हो, अगर सब चल रहे हैं वहां मार भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से जो विराट कोहली को आउट दिया गया है वो आउट था क्या, तुम्हें लग रहा था वो आउट है, क्या देना चाहिए था, आउट देना चाहिए था, नॉट आउट देना चाहिए था, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना भाई कमेंट में जरूर बताना। और उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि भाई अगले मैच में ईशान किशन को मौका दे देना चाहिए या फिर केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को ले आना चाहिए या फिर शिखर भरत को एक और मौका देना चाहिए। वैसे फिलहाल तो भैया अभी एक और इनिंग बाकी है, उसमें पूरा खेल पलट सकता है, क्या पता केएल राहुल भैया कुछ मार वार दें, भगवान करे मार दें भाई, अब तो मार दें और जरूरत पड़ेगी रनों की, अभी भले ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक मामला चल रहा है लेकिन जरूरत तो पड़ने वाली चौथी इनिंग में, और केएल राहुल तो ओपनिंग आते हैं उनको जरूरत पक्का पक्का पड़ेगी। और सेम टाइम मैं जैसा चाहता हूं क्या पता भैया शिखर भरत भी रन मार दें तो बहुत ही बढ़िया है और श्रेयस अय्यर थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए। लेकिन भाई ये जो दुख हुआ है ना भाई विराट कोहली भाई शतक आ सकता था, कम से कम अशतक तो मानने देते, बंदे को चीटिंग करनी थी 50 आ जाती भाई उसी में खुश हो जाते हम तो भैया नादान लोग हैं, लेकिन नहीं भैया करना है कांड इनको। खैर जैसा मैंने कहा कि भैया आपको क्या लग रहा था कि विराट कोहली आउट है या नहीं है, जो भी आपका मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से क्या करना है, स्पोर्ट्स बस 11 को अभी जाके चेकआउट करना है भैया, आज के दिन भैया वुमेंस क्रिकेट का मैच भी है, उसके अलावा भैया वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, पीएसएल भी चली रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी चली रही है, मेरा प्रोमो कोड यूज करना cricktime00 टेलीग्राम चैनल को तो भैया ज्वाइन करना ही करना है, टीम वहां पे आ जाएगी, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी, बैठे बैठे पैसा कमा लोगे और क्या चाहिए जिंदगी में, तो अभी जाके स्पोर्ट्स बस 11 को चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।